नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल, इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र, राशि आदि के बारे में बात करता हूँ। मैं हर माह आपके साथ सूर्य से जुड़ी संक्रांति का जो पर्व होता है, सूर्य का राशि परिवर्तन, उस पर बात करता हूँ। आज मैं आपके साथ अत्यधिक महत्वपूर्ण एक विषय है, वो है सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य का राशि परिवर्तन जो है हर माह होता है। आज मैं सूर्य का मकर राशि में जो 14 जनवरी 2019 को सायंकाल 7:50 पर मकर राशि में होने जा रहा है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। सूर्य का भ्रमण मकर राशि में 13 जनवरी तक प्रातःकाल ये चलता रहेगा, 13 जनवरी तक ये चलेगा। जो समय है वो समय है 8:47 तक। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण संक्रांति है, वर्ष की सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि इसी दिन सूर्य का ये भ्रमण जो है उत्तरायण का आगमन का संकेत देता है। आगमन होता है उत्तरायण का। उत्तरायण सभी देवताओं का दिन होता है और असुरों की रात्रि होती है। शुभ ऊर्जा से परिपूर्ण 6 माह हुआ करते हैं। तो मकर राशि में सूर्य का जो परिवर्तन है, पूरी मानवता पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है और पूरी मानवता को हम मेष से मीन राशि 12 लग्नों में हम विभाजित कर सकते हैं। मैं आपके साथ अब धनु लग्न के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। धनु लग्न पर क्या प्रभाव सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का होगा। परंतु कि आपका मकर धनु लग्न है, इसके लिए आप क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान, पूरी सूचना एक ज्योतिष के कार्यक्रम में फीड कर दें। स्क्रीन के ऊपर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे इस प्रकार का चित्र आ सकता है, जिसमें जो मध्यम जो खाना है उसमें यदि 9 नंबर लिखा तो समझिए आपका धन लग्न है। धन लग्न के स्वामी बृहस्पति हैं। और यदि आपको अपना बर्थ डिटेल्स मालूम नहीं तो आपके नाम का कोई भी अक्षर इनमें से है तो समझिए आप धन लग्न से जुड़े हुए हैं, या उससे जुड़ी हुई गुणधर्म आपके अंदर है तो आपके बारे में बात हो रही है। ये अक्षर क्या हैं, ये यो भा भी भू धा फा ढा भे, ये नाम के अक्षर हैं। धनु लग्न में सूर्य भाग्य का स्वामी है, तो ये प्रवेश जो है सूर्य का मकर राशि में भाग्य में बहुत ऊँचे संकेत दे रहा है। भाग्य में परिवर्तन होता है किस चीज़ को लेके, धन को लेके, शिक्षा को लेके। बाकी ग्रह बृहस्पति इत्यादि विदेश की जगह पे है, तो कहाँ पे शिक्षा, विदेश में शिक्षा। धन को लेके तो क्या है, वो धन से जुड़ा एक विषय व्यय भी है, तो व्यय को लेके। पूरे माह में आपका जब सूर्य मकर राशि में भ्रमण होगा तो चेहरे में ताम्र वर्णन प्रभाव मिलेगा, यानी कि तांबे की तरह गेहूं का रंग आपका होगा। थोड़ा सा जवान में तेजी होगी, सरदर्द होगा, पानी की कमी होगी शरीर में, थोड़ा बैक पेन होगी, कभी कभार गला खराब होगा, भाषा में तीव्रता होगी, मुंह में थोड़ी सी कभी कभार छाले पड़ सकते हैं, विशेष करके 21 जनवरी से 7 फरवरी के बीच में। पिता का तनाव बढ़ता है, पिता का मानसिक तनाव बढ़ता है। इसमें संतान के कार्य क्षेत्र हेतु शुभ रहता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में हल्का हल्का तनाव रहता है। अपने छोटे भाई बहन जो हैं आपके, उनके बारे में थोड़ी समस्या रहती है। भगवान विष्णु और भगवान शंकर का आशीर्वाद रहता है, उनके आशीर्वाद से आपको धन प्राप्ति होती है। अब हर तारीख को क्या होगा पूरे 30 दिन में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए 14 से 16 जनवरी के बीच में आपकी मानसिक क्षमता बढ़ी हुई होगी, परंतु आप भावुक होंगे संतान को लेके, खर्चे को लेके, किराए की संपत्ति को लेके, भाई बहनों को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर। थोड़ा बहुत एसिडिटी का, ऊर्जा का, पेट दर्द इत्यादि के कुछ इशू हो सकते हैं उनको लेकर। 13 से अगली तारीख है 17 से 18 प्रबल रूप से आप मानसिक रूप से सुदृढ़ होंगे, आत्मबल आपका बढ़ा हुआ होगा, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त होगी, रुका धन प्राप्त हो सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति के इशू जो हैं उनका सॉल्यूशन होता है। विदेश में विवाह, यदि द्वितीय विवाह करना चाहते हैं, पहला विवाह यदि ना हुआ
तो उसके संकेत विदेश में विवाह, द्वितीय विवाह के लिए उत्तम, किराए की आय में उत्तम, रुके धन की प्राप्ति में उत्तम, विदेश में संपत्ति लेने के लिए उत्तम, वाहन के ऊपर जवाहरात के ऊपर व्यय के लिए उत्तम, इंटीरियर्स के ऊपर व्यय करने के लिए उत्तम समय होगा। 1920 तारीख थोड़े तनावपूर्ण समय होगा धन के लिए और प्रेम संबंधों के लिए, व्यापारिक जीवन में, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय में ना लें। इसमें पीठ में, पैरों में थोड़ा सा दर्द हो सकती है, छोटी मोटी दुर्घटना चोट का योग बना रहता है। 21 और 22 तारीख, 21 को ग्रहण है, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जीवन का ना लें, शेयर मार्केट से बचें, शिक्षा से, धर्म से, धन से, परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण सभी निर्णय टाल दें, मद्यपान, मदरापान इत्यादि से इन दो दिनों में बचें। उसके बाद उपरांत जो तारीख है 23 से 24 तारीख, इनमें विदेश यात्रा के सहयोग है, विदेश यात्रा में शिक्षा के संकेत मिलते हैं, संपत्ति खरीद और लाभ आपका बढ़ने लगता है। दो दिन जो है धर्म स्थलों की यात्रा, विशेष करके भगवान शंकर और शिव के स्थानों की, भगवान शंकर और भगवान कृष्ण के स्थलों की यात्रा का संकेत मिलता है। 25 और 26 तारीख, इन दिनों में कोई भी जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय, नौकरी बदलना, नौकरी में परिवर्तन, व्यापार में परिवर्तन, नए रिश्ते, पुराने रिश्तों में तनाव, नए रिश्तों का बनना, सभी चीज़ों को दूरगामी दृष्टिकोण से निर्णय टाल दें। 27-28 गृह स्थिति दोनों दिन उत्तम है, संपत्ति खरीदने हेतु, किराए के आए हेतु, पैतृक स्रोतों से लाभ हेतु, संतान के विवाह हेतु, संतान की नौकरी होती है, संतान हेतु संपत्ति खरीदने के लिए हर प्रकार से समय उत्तम है आपका, ये जो है 27-28 तारीख विशेष करके। उसके उपरांत 29-30 ये अध्यात्म के लिए, योग के लिए, धर्म के लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा, कुंडली जागरण के लिए उत्तम रहेगा, परंतु कर्ज ना दें, कर्ज लेना तो ठीक है ना दें, आयात निर्यात के लिए समय ठीक रहेगा, विदेश में विवाह के लिए समय ठीक रहेगा, परंतु शुक्र अभी राशि परिवर्तित कर रहे हैं तो इस पे सोच विचार करें, निर्णय जो हैं आप जो है 3 और 5 तारीख के बाद लीजिएगा, 5 तारीख के बाद इस पे निर्णय लीजिएगा, परंतु विदेश में संपत्ति विवाह कई कारणों से आयात निर्यात ब्रियात सभी में भाग्य के शुभ संकेत मिलते हैं। स्वास्थ्य में कोलेस्ट्रॉल या मधुमेह इस समय बढ़ सकता है, सर्दी जुकाम इत्यादि हो सकता है, बैक पेन हो सकती है, उसमें सावधानी रखें। 31 से 2 तारीख किसी भी विषय को लेकर अच्छे नहीं है, प्रेम संबंधों में तनाव, जीवन साथी के साथ तनाव, व्यापारिक तनाव, धन को लेकर ऊंच नीच होना, धन को लेकर तनाव होना, शेयर मार्केट में हानि होना, ये संकेत बने, अशुभ संस्कारों के संकेत हैं, सावधानी रखिएगा। उसके बाद तारीख आती है 3 से 5, 3 से 5 अमावस्या का एक प्रकार से समय, इसमें भी कोई दीर्घकालीन निर्णय संपत्ति को लेकर, विदेश को लेकर, शिक्षा को लेकर टाल दें। अगर नए मौके अचानक जो हैं आपको नौकरी इत्यादि के मिलते हैं, इंटरव्यू वगैरह दे दें, लेकिन दीर्घकालीन निर्णय टाल दें, शेयर मार्केट से विशेष रूप से बचिएगा। उसके बाद से आती है 6 से 7 तारीख, ये तारीख की अत्यधिक उत्तम है मान सम्मान के लिए, पैतृक संपत्ति का निर्णय लेने के लिए, परंतु इसमें यात्रा करने से बचें, शिक्षा के क्षेत्र में संभल कर ही आप जो है कोई निर्णय लें, सब्जेक्ट्स इत्यादि बदलने हो, उधार देने से इसमें बिल्कुल बचें, सेकेंड हैंड व्हीकल को खरीदने से बचें, संपत्ति बेचना और व्हीकल को बेचना इससे बचें। अगली तारीखें 8 से 10, अत्यधिक भावुक समय होगा इसमें, कोई भी दीर्घकालीन निर्णय जो हैं परिवार को लेके, पितरों के से जुड़ी यात्रा इसमें संभव है, पितरों का स्वप्न में आपके आपको आशीर्वाद देना यह संभव है, महिलाओं से जुड़े विषय अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे, परंतु महिलाओं का सम्मान रखें, महिलाओं से सम्मान के साथ बात करें। अगला समय 11 से 12 तारीख, संतान को लेके खेल, सुरक्षा, चिकित्सा क्षेत्र में अत्यधिक उत्तम है, अत्यधिक भावुक होंगे परंतु शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, याद रखिएगा भावुक होके आप खान पीन के ऊपर से अपना नियंत्रण ना लूज करें। फिर तारीखें आ रही हैं 13-14 तारीख, सर्वश्रेष्ठ दो दिन हैं, बेशक आपका कोई भी निर्णय हो जीवन का, संपत्ति से जुड़ा हुआ है, उच्च शिक्षा को लेकर,
वो शिक्षा जो है विदेश में या देश में, वो शिक्षा जो है इकोनॉमिक्स हो, बी कॉम हो, कॉमर्स हो, सभी क्षेत्रों को लेके, मेडिसिन हो, फिजियोथेरेपी हो, अत्यधिक शुभ समय रहेगा। अब मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण तारीखें आपके साथ संबंधित उनको लेके बात कर रहा हूँ, क्योंकि 30 दिनों में ईश्वर के आशीर्वाद की अत्यधिक आवश्यकता रहेगी। अतः यदि आप जो है बिजनेस को ही आरंभ करना चाहते हैं तो 17, 18, 21, 26, 27 जनवरी और 9 और 10 फरवरी ये तारीखें हैं। तो इसमें जो है आप 17-18 तारीख आपके लिए शुभ है, 21 तारीख आप अवॉइड कर सकते हैं, 26 तारीख आप अवॉइड कर सकते हैं, 27 तारीख बिजनेस के लिए अच्छी है, उसके उपरांत 9 और 10 तारीख भी आप अवॉइड कर सकते हैं बिजनेस के लिए। भगवान शंकर के दर्शनीय स्थलों के लिए या शिवलिंग की इत्यादि की प्रतिष्ठा के लिए 18 तारीख, 18 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी, 28 जनवरी, 6, 7 और 10 फरवरी। तो इसमें 18 तारीख उत्तम है, 21 तारीख आप अवॉइड कर सकते हैं, 24 तारीख शुभ है, इसके उपरांत 28 तारीख अत्यधिक उत्तम है, 31 तारीख जो है वो भी उत्तम है, 6 और 7 फरवरी जो है ये भी अत्यधिक उत्तम है इनकी प्रतिष्ठा के लिए। फिर आती है देवी प्रतिष्ठा, संतान के लिए, लॉस के लिए, स्वास्थ्य के लिए। 17, 18, 21, 27, 28 और 31 जनवरी की तारीखें हैं। इसमें 17-18 तारीख अत्यधिक उत्तम है, 21 तारीख अवॉइडेबल है, 27-28 तारीख देवी के लिए अत्यधिक उत्तम है, यात्रा करनी हो, प्रतिष्ठा करनी हो, 31 तारीख यह भी अत्यधिक उत्तम है, परंतु 31 साधारण है, बाकी तारीखें अत्यधिक उत्तम है। वाहन की खरीद के लिए 21, 23, 26, 27, 28 जनवरी, 6, 7, 8, 9 और 10 फरवरी। अब इसमें देखिए 21 आप अवॉइड कर सकते हैं, 23 आप ले सकते हैं, 26 आप अवॉइड कर सकते हैं, 27, 28 अत्यधिक उत्तम है, 6 और 7 तारीख जो है अत्यधिक उत्तम है, 8, 9 और 10 को आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं तारीखों को। इसलिए ग्रह आरंभ मुहूर्त जो है 17 और 21 जनवरी तथा 7 और 9 फरवरी है। 17 तारीख शुभ है, 21 अवॉइडेबल है, 7 जो फरवरी है अत्यधिक उत्तम है, 9 फरवरी थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, परंतु और तिथि ना मिले तो ये इसमें कर लीजिएगा। ग्रह आरंभ के लिए, ग्रह प्रवेश के लिए 17, 18, 21 जनवरी, 26, 28 जनवरी, 6, 7 और 9 फरवरी। इसमें 17-18 तारीख की अत्यधिक उत्तम है, 21 अवॉइडेबल है, 26 तारीख जो है ये भी अवॉइडेबल है, 28 अत्यधिक उत्तम है, 6 और 7 तारीख अत्यधिक उत्तम है, 9 अवॉइडेबल है। धन्यवाद, नमस्कार।